सलामैलैलकुम मैं हूं मुख्तार अहमद वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कोर्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ और आज हम अपने लेक्चर नंबर 33 के साथ आपके साथ हैं तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन एंड एज ए सेट दिस इज अवर लेक्चर नंबर 33। बट व्हाट अबाउट लेक्चर नंबर 32? लेट्स क्विकली गो थ्रू The previous lecture and see what we have covered in that lecture. That was basically focusing on health and safety, the occupational health and safety program of the organization. And what was that? And we defined like the occupational health and safety defines or refers to the physiological. Physical and psychological conditions of a workforce that result from the work environment provided by the organization. We try to understand the elements of workforce or workplace safety and health program, and we also try to understand, understand that why accidents are or what are the causes of accidents at workplace. And the cost of workplace injuries and illness, direct and indirect cost, which basically organizations have to pay, we try to understand that. And then we try to understand and recommend that what kind of steps should be taken to reduce the workforce or workplace accidents. और फिर ये जो सेफ हेल्थी एनवायरनमेंट होती है उसके फायदे क्या हैं इसको भी समझने की कोशिश की जिसमें हमने कहा कि इवन जो आपको ताजा हवा मिलती है उसके भी फायदे हैं नो स्मोकिंग जो एनवायरनमेंट आप क्रिएट करते हैं उसके क्या बेनिफिट्स हैं इनको भी हमने समझने की कोशिश की ड्यूरिंग अवर प्रीवियस लेक्चर और उसी दौरान वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वी कॉल इट स्ट्रेस उसको लास्ट पे थोड़ा सा हमने टच किया विद दी अंडरस्टैंडिंग दैट ड्यूरिंग अवर लेक्चर नंबर थर्टी थ्री विल फोकस मोर अबाउट दिस टॉपिक तो आज का टॉपिक हमारा फिर क्या हुआ स्ट्रेस स्ट्रेस क्या चीज है कैसे होती है और इसको कैसे मैनेज किया जाता है वट इज स्ट्रेस बाय द वे आपको पता है नेक्स्ट वीक आपको एग्जाम आ रहे हैं सडनली यू फील समथिंग डिफरेंट अचानक आपको पता लगे कि आपका सरप्राइज एक डेड लाइन थी रिक्विज की या असाइनमेंट की वो खत्म हो गई है तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस स्ट्रेस इज एंड विल आल्सो सी वेदर इट इज गुड और बैड अभी तक तो शायद आपके जहन में भी और आम लोगों के जहन में हो स्ट्रेस जो है इट्स थोड़ा सा इसका नेगेटिव आंसर नेगेटिव कॉन्सेप्ट हमारे जहन में आता है लोग कहते हैं यार आज मुझे बड़ी स्ट्रेस है उसको बड़ी स्ट्रेस है आजकल ही इज अंडर ट्रिमेंडस स्ट्रेस और स्ट्रेस तो लेकिन थोड़ा सा इसको उस तरह देखते हैं और फिर एट द एंड ऑफ दैप टुडे लेक्चर आई होप के विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट स्ट्रेस इज एंड हाउ वी शुड मैनेज इट इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली तो स्ट्रेस क्या चीज़ है और उसके अलावा स्ट्रेस को मैनेजमेंट कैसे करना है इन चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको ये ग्राफिकली कुछ चीज़ें दिखाऊं कि दैट आल्सो रिफ्लेक्ट कि दैट पर्सन इज़ अंडर टेंशन एंड स्ट्रेस अब इसमें देखिए जस्ट केकिंग आउट इससे क्या जाहिर हो रहा है परेशान है गुस्से में है एंड इज टेकिंग इट आउट इसमें देखिए आप भी कभी आई होप के एक्सरसाइज तो सारे लोग करते हैं मिल जब आप एक्सरसाइज करते हैं तेजी से चलते हैं तो क्या होता है पसीना आ जाता है हार्ट बीट बढ़ जाती है इसको क्या हम नाम देंगे परेशानी में वट हैपन इज इट स्ट्रेस और वॉट अवरलोड बहुत सारा काम है आपके पास यू हैव टू सबमिट फाइव असाइनमेंट्स डूरिंग नेक्स्ट वीक इसको भी स्ट्रेस का नाम देंगे कि नहीं और ये किस किस्म की स्ट्रेस होगी इफ समाउटिंग व्हाट इज दिस सो ऑल दीज पिक्चर्स वट दे आर रिफ्लेक्टिंग सम काइंड ऑफ स्ट्रेस वन वे आर अदर वे सो देन वट इज स्ट्रेस इसको अगर डिफाइन करें अडेप्टिव रिस्पॉन्स है स्ट्रेस इज एन अडेप्टिव रिस्पांस और ये डिफर करता है पर्सन टू पर्सन दैट इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी एक्शन सिचुएशन आर इवन दैट प्लेस स्पेशल डिमांड ऑन ए पर्सन दैट इज ए अडेप्टिव एन अडेप्टिव रिस्पांस किसी भी पर्सन का किस वजह से दैट इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी एक्शन किसी के किसी एक्शन के किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर या इवेंट जो आपसे डिमांडिंग आपके ऊपर किसी पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्स आप उससे एक्सपेक्ट करें तो वी कैन से दैट इज ए स्ट्रेस दर आर थ्री की फैक्टर्स दैट डिटर्मन द लाइकलीहुड ऑफ स्ट्रेस तीन बेसिक चीजें हैं जिससे आप डिटर्मिन कर सकते हैं कि ये स्ट्रेस है कि नहीं है एक तो उसकी इम्पॉर्टेंस लाइक एज ए सेट दैट यू आर सपोज टू सबमिट फाइव असाइनमेंट्स बाई द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक हाउ इम्पॉर्टेंट दैट दोड लाइन्स आर फॉर यू the more important they are, the more you will be under stress. and when there are uncertainty, still you will be under stress. or duration, get in a other situation, wo effect, wo factor. -si time ke liye you might not even feel that you are under stress. but that, the longer the duration, the more the stress. so that is the relationship. Ab mat ke hum, chal pade. yes, this is also a very important aspect. when you are working with the people, वन यू डीलिंग विदीपल दिस इज ऑल्सो बिकमिंग ए बर्निंग इशू इन दर्गेनाइजेशन हाउ टू मैनेज स्ट्रेस हाउ टू प्रिवेंट स्ट्रेस इवन इसलिए इसको हम मैंने एक सेपरेट लेक्चर के लिए इसको एक इंपॉर्टेंस दी कि उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे तो दैट इज वाई वी आर डिस्कसिंग इट टूडे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी स्ट्रेस होते हैं लेकिन उससे पहले लेट्स सी लेट्स सेकंड एग्जाम्पल एंड सी हाउ इट इज वर्किंग जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका एक सिस्टम जो है रिस्पॉन्ड उसके रिस्पॉन्स में आपकी हार्ट बीट तेज होती है तो बॉडी के ऊपर एक काइंड ऑफ स्ट्रेस आ रही है ना कि जब आप तेज से चलते हो कहीं ट्रैक पे हो हिली एरिया में आप जा रहे हैं तो व्हाट इज हैपनिंग आपका सांस फूल जाता है सांस तेजी से लेना शुरू कर देते हैं आप इवन यू आर डूइंग सम एक्सरसाइज लाइक साइकिल चला रहे हैं भाग रहे हैं जॉगिंग कर रहे हैं वट तो क्या होता है कि आपको सांस तेजी से आना शुरू होता है ना वट इज़ हैपनिंग देयर जैसे आप तेज चलते हो आपकी ब्लड के अंदर आपकी उस जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको फुलफिल करने के लिए ब्लड सर्कुलेट करता है तेज़ी के साथ ताकि उस वहाँ पे ऑक्सीजन प्रॉपर प्रोवाइड की जाए जैसे ब्लड वो पंप जोर से आपका हार्ट करेगा साथ साथ आपको वो ऑक्सीजन की उसी तरफ स्पीड से उसी रेशो से ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो क्या होगा कि आप पे वो स्ट्रेन जो पड़ेगी उसके रिस्पांस में आपकी बॉडी के मुख्त चीजें जो वो एक्टिवेट होंगी ये स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट भी इसी तरह डेवलप हुआ कि कभी वे बैक कपल ऑफ डिकेड्स पीपल वर्किंग ऑन सम हारमोन्स सम काइंड ऑफ हारमोन पे काम कर रहे थे कि मुख्तफ किस्म की हारमोन सिक्रीशन कैसे होती हैं तो उसमें उन्होंने ये भी देखा कि अंडर प्रेशर अंडर सम काइंड ऑफ कंस्ट्रेन स्ट्रेन मुख्तलिफ़ किस्म के हारमोन्स kind of की सिक्रीशन ज्यादा तो हो जाती है तो इस तरह इसको आप रिलेशनशिप समझने की कोशिश करेंगी बट स्ट दिस इज नॉट अवर सब्जेक्ट वी आर नॉट डिस्कसिंग द बायोलॉजी और बेसिक फिजियोलॉजी ऑफ ऑल दोज एक्टिविटी तो आई जस्ट थार्ट आई शूड डिस्कस विद दिस थिंग बेसिक थिंग बट फॉर गेट अबाउट दिस थिंग बेसिक एंड वुल शिफ्ट टूअर्ड अगेन स्ट्रेस रेलवेंट टू अवर सब्जेक्ट अबाउट पीपल डीलिंग विथ पीपल और आर्गनाइजेशन के अंदर कैसे ये चीज़ें आती हैं और उससे क्या 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 नुकसान हो सकती हैं और कैसे उनको रोका जा सकता है सो आर्गनाइेशन स्ट्रेस की हम बात कर रहे थे तो लेट्स डिस्कस दैम ये स्लाइड मैंने आपको ड्यूरिंग अवर लास्ट लेक्चर भी आपके साथ शेयर की थी डिस्कस की थी कि व्हेन एयर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन तो बेसिकली देर आर फोर एस जो मेन कॉज हो सकते हैं स्ट्रेस के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड वट आर दोज फोर एस योर सुपरवाइजर द सैलरी द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी तो ये चीजें कॉज कर सकती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रेस इसके अलावा भी हो सकता है बहुत सारी चीजें लेकिन वन वे अदर वे दे आर रिलेटेड टू दिस फोर एस तो मेनली देखा जाता है कि यही चार चीजें हैं। अच्छा सुपरवाइजर है मे बी ही नॉट ए गुड सुपरवाइजर आपको हार्डशिप दे रहे हैं, आपका केयर ही नहीं करते सैलरी आपकी एक्सपेक्टेशन से कम है बहुत ज्यादा है वो भी एक स्ट्रेसफुल चीज है सिक्योरिटी ऑफ व्हाट? आपकी जॉब की सिक्योरिटी एंड अदर वे दिक्योरिटीज एंड सेफ्टी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको ये पता हो कि यहाँ पे ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं कार्सोनिजेनिक कंपाउंड्स हैं जिनसे कैंसर हो सकता है तो हर वक्त आप स्ट्रेस में रहेंगे हर वक्त टेंशन में रहेंगे यार पता नहीं कब खुदा ना खासता मुझे इसका कोई प्रॉब्लम ना हो जाए तो दीज आर द फोर एस विच कैन काज द स्ट्रेस एट वर्क प्लेस और इसके अलावा इफ देर सम काइंड ऑफ चेंज एंड रिमेंबर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टूप अडेप चेंज चेंज इज़ ऑलवेज डिफिकल्ट वैन एवर देर इज चेंज इन टेक्नोलॉजी इन प्रोसीजर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन और वट एवर दैट कैन काज लैट ऑफ स्ट्रेस फॉर देअर फॉर द पीपल वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क की जो पेस है बहुत डिमांडिंग अगर जॉब है तो दैट कैन बी स्ट्रेस और अगर ऐसे लोग हैं जो वर्क जो काम करना पसंद करते हैं तो अगर वर्क की पेस बहुत ज्यादा स्लो है तो अगेन इट विल काज स्ट्रेस फॉर देम तो ये भी रीजन हो सकता है एंड फिजिकल इन्वायरमेंट यस वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है प्रॉपर उसकी हवा अच्छी साफ नहीं आ रही इवन द लाइट जो आपके वहां पर होती है तो दैट कैन आल्सो काज स्ट्रेस फॉर द पीपल हु आर वर्किंग दैट पर्टिकुलर इन्वायरमेंट एंड प्लस हर एक इंसान जो है उसका अपना एक थ्रेश होड लेवल होता है सम आर मोर प्रोन सम आर लेस प्रोन कुछ बहुत जल्दी स्ट्रेस के अंदर आ जाते हैं कुछ आराम से उनको इतना असर नहीं पड़ता किसी का जल्दी ब्लड प्रेशर एकदम हाई हो जाता है एंड सम पीपल कैन टेक वेरी हार्ड इवन देयर स्माइल ऑलवेज वेन इवन दे आर वर्किंग हार्ड हार्ड एनवायरमेंट और दे आर फेसिंग ए टेंस एनवायरमेंट सो वॉट अबाउट इज स्ट्रेस गुड और बैड एज सेट एन इन बिगिनिंग अभी तक तो आपके जहन में भी और मेजॉरिटी ऑफ पीपल माइट बी थिंकिंग कि स्ट्रेस इज बैड है लेट सी इफ इट इज गुड और बैड रिमेंबर द रिस्पॉन्स ऑफ द स्ट्रेस इट सेल्फ इज न्यूट्रल वो जो सिचुएशन है वो जो इफेक्ट है उसका अपना रिस्पॉन्स न्यूट्रल है हाउ यू रिएक्ट दैट कैन मेक इट ए पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेस जैसे आपसे कहा था कि एक्सरसाइज आप करते हो दैट कैन इन्हांस पर्सनस एबिलिटी टू मैनेज स्ट्रेसफुल डिमांड आर सिचुएशन जैसे आप एक्सरसाइज करते हो एक स्ट्रेस पड़ी तो क्या हुआ आपके सिस्टम ने आपके इंटरनल सिस्टम ने ख़ुद बहुत आपके हार्ट बीट को इंक्रीज कर दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो ब्लड पंप हो और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो ताज़ा लेके आपकी उस रिक्वायरमेंट को पूरा करें दैट इज हाउ यूर सिस्टम इज रिस्पॉन्डिंग सिमिलरली इफ यू आर फीलिंग स्ट्रेस और वैसे भी हमारी खासकर हम पीपल इन लिविंग इन पाकिस्तान हम लास्ट मोमेंट पर काम करते हैं दो इट इज नॉट गुड बट स्टिल जब तक प्रेशर नहीं पड़ता जब तक टेंशन नहीं होती हम डिलीवर भी नहीं करते तो वो भी एक इसका फायदा भी सोच देखा जा सकता है तो कुछ फायदा भी है कि स्ट्रेस पढ़ने से ही काम करते हैं और स्ट्रेस की वजह से आपका एनर्जी की जो नीड है प्रोवाइड ए नीडेड एनर्जी स्ट्रेस की वजह से आपको एक बूस्ट मिलती है और देन यू स्ट्राइव हार्ड एंड नेगेटिव स्ट्रेस रिजल्ट फ्रॉम व्हाट इफ यू हैव ए प्रोलॉन्ग एक्टिवेशन ऑफ स्ट्रेस रिस्पांस अगर वो जो सिचुएशन है वो लंबी होती जा रही है उसकी रिस्पांस पे जो आपके एक्टिविटी है लाइक like आपका जो फिजिकल आपकी कंडीशन है या आपका जो बॉडी रिस्पॉन्ड है या जो आपकी नर्वस सिस्टम रिस्पांस है अगर वो लंबा होता जा रहा है तो उससे उसका नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है एंड एंड मैनेजमेंट ऑफ द एनर्जी इंड्यूज बाई द रिस्पॉन्स और वो जो बहुत ज़्यादा भी एकदम अगर बहुत ज्यादा आपको पसीना आ जाए बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन भी हो सकती है तो इसका नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है तो क्या हुआ के स्ट्रेस कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव लेट्स सी दिस फ्रॉम दिस ग्राफ वी हैव टू दो चीजें हम प्लाट कर रहे हैं स्ट्रेस लेवल और रिएक्शन ऑफ स्ट्रेस आप देखते हैं कि इसको दो नाम देते हैं यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस अडाई स्ट्रेस भी इसको बोलते हैं अब जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ती है ये फायदा मंद है आपकी पॉजिटिव उसका रिस्पांस आता है और एक खास स्टेज तक जब एक्सट्रीम आ जाती है तो थ्रेश होड लेवल पहुंचती है तो उसके बाद उसका नेगेटिव इफेक्ट शुरू होता है तो परफॉर्मेंस के लिए भी स्ट्रेस चाहिए कुछ अरसे तक तो उसका फायदा है जैसे स्ट्रेस बढ़ेगी आपका रिस्पॉन्स पॉजिटिव है बट एट एट ए टाइम वैन इट रीच टू थ्रेश होड लेवल इट स्टार्ट गिविंग यू द नेगेटिव इफेक्ट सो दट इज द कंक्लूजन इज स्ट्रेस गुड और बैड स्ट्रेस कैन बी गुड बट इट कैन बी बैड एंड इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन यस वी नीड स्ट्रेस वी नीड प्रेशर इन बिगिनिंग टू एक्टिवेट थिंग्स सो दैट वी शुड डिलीवर वी शुड परफॉर्म लेकिन हर एक इंसान का एक थ्रेश ओड लेवल है और उस लेवल पे तक वो अच्छी परफॉर्मेंस के लिए आपके लिए फायदेमंद है लेकिन जैसे वो उसको प्रोलॉन्ग करते जाएंगे उससे इंक्रीज करेंगे तो दैट विल स्टार्ट गिविंग यू द नेगेटिव रिजल्ट और दैट स्ट्रेस विल बिकम इन नेगेटिव स्ट्रेस तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि स्ट्रेस इज नॉट ऑलवेज बैड इट इज गुड इन अ वे कि दैट विल गिव यू द बूस्ट दैट विल गिव यू द मोटिवेशन दैट विल पुट यू आर द टास्क कि यू विल सीरियसली थिंक ऑफ डिलीवरिंग समथिंग लेकिन उसकी उस थ्रेश होड लेवल का भी मद्देनजर आपने रखना है सो लेट्स मूव लेट्स ट्राई टू सी टू अंडरस्टैंड ए मॉडल ऑफ द स्ट्रेस स्पेशली टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेश पोटेंशियल सोर्सेज क्या हो सकते हैं स्ट्रेस के और उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं मॉडल से आपको वो चीज समझने को मिलेगी सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस कैन बी लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम इंडिविजुअल फैक्टर्स आर, इट कैन बी आग्नशन फैक्टर्स द ग्रुप डायनामिक जिसमें हम देखते हैं और इट कैन बी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कोई भी रीजन हो सकती है आपके अपने मसाइल भी हो सकते हैं अपनी वजह से भी स्ट्रेस हो सकती है यू आर परसिविंग इट रॉन्ग यू डोंट हैव दैट मच यू आर नॉट फिजिकली दैट मच फिट्स हो इजीली यू आर कमिंग अंडर स्ट्रेस आर यूर वर्ल्ड ऑफ समथिंग एल्स विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट रियली एंड सो ऑन सिमिलरली दग्नाइशन फैक्टर्स कैन भी

सिप्टम्स भी हो सकते हैं बिहेवियर भी हो सकते हैं और साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं लेट स्टार्ट फ्रॉम बॉटम टू अप द बिहेवियर रिस्पांप्टम्स फटीक गुस्सा नाराजगी शाउट करना द फिजलॉजिकल सिप्टम्स एंड द साइकोलॉजिकल सिप्टम्स आगे जाके हम इनको डिटेल में भी देखते हैं कि क्या वो होते हैं तो बात समझ आई कि क्या ये मॉडल किस तरह काम करता है कि स्ट्रेस काजिंग के लिए तीन लेवल हो सकते हैं तीन पोटेंशियल सोर्स हो सकते हैं Individuals, organization, and environment. Or so, response can behavioral, behavior, physiological, and psychological. But it vary from person to person. The individual differences, and feel, karte ho, feel karte. What is the relationship between stress and job performance? Because the bottom line for us is the performance. इससे इसका क्या तल्लक है इसीलिए इसको हम पढ़ भी रहे हैं स्ट्रेस को इंपॉर्टेंस भी दे रहे हैं क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है विद द परफॉर्मेंस एज इज वी इज डिस्कस इन अर्लियर इन अर्लियर स्टेज स्लाइड्स इट कैन बी पॉजिटिव इट कैन बी नेगेटिव द स्ट्रेस कैन बी हेल्पफुल एंड हार्मफुल टू हाउ वी हैव ऑलरेडी सीन इन दैट ग्राफ जहाँ पे इसको पॉजिटिव या नेगेटिव स्ट्रेस को हमने देखा जब जीरो स्ट्रेस होती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि लो चैलेंजिंग चीज है एंड दिस इज अगेन ह्यूमन साइकोलॉजी दैट अनलेस देर इज चैलेंज फॉर यू यू विल नॉट ड्राइव हार्ड आप देखते हो आप लेट्स सी इस सेमेस्टर में पांच छह सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं एंड आई एम श्योर यू विल बी फोकसिंग ऑन मोर ऑन दो सब्जेक्ट विच यू फील दैट डिफिकल्ट और जो आपको आसान लगते हैं आप उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हो और फिर कभी ऐसे कभी कभी ऐसे भी होता है कि जब रिजल्ट आता है तो जिनको आपने ईजी समझा था उन्हीं में से आप मार खा जाते हो और जिन पे स्ट्रेस ज्यादा दी होती है उसमें अच्छा परफॉर्मेंस देते हो तो बैलेंस रखना चाहिए बट द मैसेज हेयर द बेसिक फिलासफी हेयर वट वी आर डिस्कसिंग इज अगर स्ट्रेस नहीं है आपके ऊपर प्रेशर नहीं है इसका मतलब है कि चैलेंज नहीं है आपके लिए जब चैलेंज नहीं है तो फिर आपकी उसके ऊपर आप फोर्स भी उतना कम लगाएंगे उतनी कोशिश भी आप उतनी कम करेंगे उस उस चैलेंज को उस जॉब को परफॉर्म कर, करने के लिए व्हाट एल्स एज स्ट्रेस इंक्रीजेस सो डज परफॉर्मेंस अंटल ए स्टेज कम वी कॉल इट इट थ्रेश लेवल ओवर दिस लिमिट परफार्मेंस डिक्लाइन फिर उसके बाद आस्ता आस्ता परफॉर्मेंस डिक्लाइन करना शुरू कर देती और अगेन द सेम थिंग दैट ईच पर्सन हैज ए डिफरेंट थ्रेश लेवल इसको ग्राफिकली देखते हैं ज़रा See, on one side you have the stress, and y axis you have the performance. In the stress, the performance increases. increase. And then a point is coming where you have the maximum performance, and that is a threshold level of an individual, a person. Now, if you have more stress now after that, what will happen? It starts coming down. Okay, now, it has started giving the negative effect. So, see how it has. डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ दी परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस के लिए डेफिनेटली यू नीड सम्रेशर सम ड्राइव सम स्ट्रेस लेकिन उसकी लिमिट को जहन में भी रखना है ताकि उसके नेगेटिव इफेक्ट से अवॉइड किया जाए वॉट आर द स्ट्रेस द पर्सन आर इवन दिगर द स्ट्रेस रिस्पॉन्स इज द इज इज स्ट्रेसर जिसकी वजह से स्ट्रेस काज होती है वो पर्सन भी हो सकता है वो सिचुएशन भी हो सकता है एग्जाम्पल देखते हैं वर्क इन्वायरमेंट कैन बी काज ऑफ द स्ट्रेस इंटरपर्सन कन्फ्लिक्ट स्पेशली वेन इट इज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक जॉब डिमांड्स मे बी वेरी डिमांडिंग इमोशनल लेबर इमोशन जो है इमोशनल लेबर भी स्ट्रेस आपके लिए काज कर सकती है लाइफ इवेंट जिंदगी के कुछ इवेंट्स हैं फैमिली के कुछ प्रॉब्लम इश्यूज हो सकते हैं दे कैन ऑल्सो फैक्ट आरएक्ट एज ए काज स्ट्रेस जल्दी का काम हैसल्स रोल एक प्रॉपर आगे इसकी एक स्लाइड देखेंगे रोल की जो काजेस होते हैं वो कैसे आपके लिए स्ट्रेस काज करते हैं दूसरों की रिस्पांसिबिलिटी जो आप होती है सम पीपल टेक इट्स वेरी सीरियसली सो दे माइट बी अंडर एक्सट्रीम प्रेशर बिकॉज देर सो मैनी पीपल डिपेंडिंग एम एंड देट इज द फीलिंग एंड सम पीपल टेक इट्स ओके सो दे माइट बी हैविंग लेस स्ट्रेस एंड हाउ यू आर डीलिंग विद अदर स्ट्रेस वही थ्रे शोड लेवल कितना है इसकी वजह से भी स्ट्रेस हो सकती है वर्क इन्वायरमेंट पे जो वर्क इन्वायरमेंट होती है उसके अंदर क्या आपके जो है स्ट्रेस हो सकते हैं काजेज क्या हो सकती हैं जॉब रिस्क दैट कैन आल्सो एक्ट एज ए काज फॉर द स्ट्रेस इवन प्रोलॉन्ग लॉन्ग नॉइज आप काम कर रहे हैं आवाज आ रही है की दैट कैन मेक दैट कैन इरिटेट यू एंड दैट इज काजिंग द स्ट्रेस ग्लेरिंग आर इन लाइटिंग जैसे मैं कह लास्ट भी हमने डिस्कस किया कि प्रॉपर लाइटिंग नहीं है दैट कैन बी काज ऑफ द स्ट्रेस टेम्परेचर वेरिएशन सडन चेंज होता है अब वैसे भी देखते हो कि अगर जब मौसम भी चेंज होता है अचानक सर्दी से गर्मी आ जाती है तो हेडेक से शुरू हो जाती है उससे भी अगर आप किसी वर्क इन्वायरमेंट के अंदर किसी ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं तो वहाँ भी अचानक फ्लक्चुएशन आती है द मोर द प्रोलॉन्ग इट इज द मोर यू आर प्रोन टू स्ट्रेस पुअर एयर क्वालिटी दैट कैन ऑल्सो काज द स्ट्रेस और ऐसी जॉब भी जिसमें बार बार आपको मूव करना पड़ रहा है उससे भी कई दफ़ा स्ट्रेस अंडर एक वर्क जो फोर्स है जो वर्कर है वो अंडर स्ट्रेस आ जाता है रोल स्ट्रेसर की बात कर रहे थे हम उसको भी देखते हैं रोल स्ट्रेस किस वजह से काज होती है कि इफ़ यू हैव रोल कन्फ्लिक्ट एंड कन्फ्लिक्ट एक्सपेक्टेशन सिमिलरली इफ द रोल्स आर देर इंबिगटी इन द रोल दैट कैन आल्सो काज द स्ट्रेस अनक्लियर एक्सपेक्टेशन You don't know who is doing what, and who is responsible for this particular job. So that can cause the stress, and that is also cause of your conflicts within the organization. Similarly, if your role, if your it is over demanding, or even under demanding sometimes, that can also cause the stress. Now let's see how can we recognize the stress. There are short term physical symptoms. Similarly, long term physical symptoms, internal symptoms, and the behavioral symptoms. And with these symptoms, we can understand that, that person is under stress. Let us try to go through each one of them in detail and try to understand what this stress is and how can you say that that person is under stress. Let us see the short term physical symptoms. आप देखते हैं कि आपका दिल तेज़ी से धड़कना शुरू हो गया जैसे मैंने एक्सरसाइज की मिसाल थी आपको किसी ने कोई बात सुनाई एकदम घबराहट सी होनी शुरू होगी कोई पूरी खबर इवन अच्छी खबर भी इंक्रीज स्वेटिंग पसीना ज्यादा आना शुरू हो गया बिल्कुल आपको ठंडा जिसम पड़ गया आपका हाथ और पांव बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं कभी कभी दे आर द सिम्टम्स शॉर्ट टर्म उसके स्ट्रेस के और कभी कभी एकदम नोजियाजा फील करते हैं उसे कहते हैं बटरफ्लाइज इन द स्टोमिक ऐसा लगता है कि वॉमिट करने लगे अभी दीज आर द सिम्टम्स फॉर द शॉर्ट टर्म स्ट्रेस जिस तरह की होती है उसके कुछ सिम्टम्स हैं इसी तरह सांस तेजी से तेज तेज सांस लेते हैं मसल टेंस हो जाते हैं एकदम स्टिफ नेक हो जाती है खुश्क कहते हैं जी खुश्क मुंह खुश्क हो गया वाशरूम में बार बार जाने को दिल करता है एंड इवन टाइम डायरिया भी की शिकायत भी आप फील करते हैं तो दीज आर अगेन द सिम्टम्स आर शॉर्ट टर्म स्ट्रेस व्हाट अबाउट लॉन्ग टर्म फिजिकल सिम्टम्स आपकी एपिटाइट चेंज हो जाती है अमूमन कोल्ड रहना शुरू हो जाता है और कुछ बीमारियां शुरू हो जाती हैं अस्थमा हो जाता है बैक पेन शुरू हो जाता है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम द वेरी बिग प्रॉब्लम विद द स्ट्रेस हेड पेन शुरू फीलिंग ऑफ इंटेंस लॉन्ग टर्म टायर्डनेस थकावट बहुत ज़्यादा फील करते हैं और रिस्क फैक्टर में क्या हो सकता है हार्ट अटैक स्ट्रोक्स हाइपर टेंशन हेड अल्सर एलर्जीज

फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं अपने आप को हेल्पनेस फील कर रहे हैं हेल्पलेसनेस मजबूर हो जैसे फील करते हैं रेस्टलेसनेस फील करते हैं आप लोग लिथार्जिक अपने आप को फील किया बींग मोर लिथार्जिक जस्ट डोंट केयर अबाउट थिंग्स ना कपड़ों का ख्याल ना अपनी सेहत का ख्याल ना अपने अदर एक्टिविटीज के ख्याल खाना किस वक्त खाना है क्या करना है और देन मे बी इफ इट इज़ प्रोलॉन्ग एंड यू माइट बी फीलिंग डिफिकल्टी इन स्लीपिंग एंड पीपल स्टार्ट देन दे स्टार्ट टेकिंग सम मेडिसन के जी गोली खा के सो जाए देट इज़ आल्सो वेरी डेंजरस ड्रिंकिंग मोर अल्कोहल इन इफ इन केस यू आर नॉन मुस्लिम आर वट या हमारे यहाँ तो स्मोकिंग ज़्यादा शुरू कर देते हैं कभी कभी तो इसको फैशन के तौर पर भी, भी ले लेते हैं कि परेशानी का आजाद स्मोकिंग से होता है विच इज अगेन वेरी डेंजरस हीटिंग हैबिट्स भी वही चीज़ दोबारा और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसन पर रिला करना शुरू कर देते हैं हर वक्त जेब में कुछ ना कुछ दवाइयाँ रखी हुई हैं तो दे आर द सिम्टम्स ऑफ इंटरनल सिप्टम्स फॉर द स्ट्रेस एंड वट अबाउट बिहेवियर सिम्टम्स तो उनके बिहेवियर में क्या चेंज आप फील करते हो इधर दे आर टाकिंग टू फाउस्ट फास्ट आर टू लाउड शाउट करना शुरू कर देते हैं तेज तेज बात करते हैं हर वक्त लगता है कि परेशानी में अब आग रहे हैं दैट इज चेंज इन देयर बिहेवियर बैड मूड्स जल्दी इरिटेट हो जाते हैं कभी कभी अगला थोड़ा सा टफ़ हो तो एकदम डिफेंसिव पे चले जाएंगे क्रिटिकल हो जाते हैं हर चीज़ में से वो कहते हैं नुकते निकालना या जैसे दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं कीड़े निकालते हैं हर बातों में हर बात में से तो दैट इज़ आल्सो वन सिप्टम एग्रेशन इैशनलिटी इैशनल बिहेवियर हो जाता है कभी कभी और इमोशनली ओवर रिएक्टिंग जिसे कहते हैं दैट कैन बी ऑल्सो बी सीन वन पीपल आर अंडर प्रेशर अंडर स्ट्रेस उनकी अपनी जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है इन पर्टिकुलर इन देयर एरिया वेयर दे आर परफॉर्मिंग अनरीजनेबली नेगेटिव उनका बिहेवियर हो जाता है तो होता है ना कि आप ऑफकोर्स एवरीबॉडी शुड लुक एट दोज थिंग इन रैशनल वे बट वेन यू आर ऑलवेज नेगेटिव सम थिंग इज रंग समवेयर एंड मेकिंग लेस रियलिस्टिक जजमेंट्स और उनको डिसीजन मेकिंग में डिफिकल्टी भी होती है तो दीज आर द बिहेवियर सिप्टन ये देखें कुछ अर्सा पहले वन थिंग्स आर नॉर्मल दे वर वी बिहेविंग डिफरेंटली एंड नाउ ड्यू टू प्रेशर ड्यू टू सम स्ट्रेस दे आर बिहेवियज चेंज देर मूड्स आर चेंज कभी आपने उनको गुस्से में नहीं देखा था अब हर वक्त लगता है कि वो लड़ाई कर रहे हैं बिल्कुल शाउट करते हैं इैशनल बिहेव कर रहे हैं नेगेटिव अप्रोच होती जा रही है सो इफ यू आर बॉस इफ यू आर डीलिंग विद द पीपल सो दे आर द अलार्मिंग साइन फॉर यू कि समथिंग इज रॉन्ग इधर इट इज द पर्सनल प्रॉब्लम Are the organizational issues which are putting extra pressure on that person? Or it is the environment. So instead of closing eye, we should address it. Of course, ultimately, who is going to suffer? That person, of course, and of your organization and the society as a whole. So when we are talking about behavioral symptoms, so, if a person was making very quick decisions, now due to stress, you can find that they are unable to concentrate and having difficulty making decisions. So, this is also a symptom of indicating that a person is under stress or pressure and more forgettable, forgetful, basically, they cannot remember things now. चीजें याद भूलना शुरू हो जाते हैं यह भी एक सिप्टम हो सकता है मिस्टेक्स करना और अगेन रिमेंबर इफ द मिस्टेक्स आर एट द वर्क दे कैन बी वेरी डेंजरस नॉट ओनली दैट दे कैन इट कैन काज एन एक्सीडेंट इट कैन इफेक्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस और इक्विपमेंट का भी लॉस हो सकता है वही ही केव दे आर मोर नाउ प्रोन टूवर्ड एक्सीडेंट क्योंकि उनका कंसंट्रेशन कहीं और है वो परेशान है अंडर स्ट्रेस है उधर काम कर रहे हैं तो उससे एक्सीडेंट भी हो सकता है वर्क हैबिट्स भी चेंज हो रही हैं एब्सेंटिज्म बढ़ गई नॉट टेकिंग थिंग सीरियस और अपना जो पर्सनल अपीयरेंस है उसका भी ख्याल नहीं कर रहे, प्रॉपर ड्रेसअप नहीं होके आते तो दीज आर ऑल सिम्टम्स ऑफ इंडिकेटिंग दैट पर्सन इज अंडर स्ट्रेस नाउ इफ इज़ अंडर स्ट्रेस एंड इफ पीपल वर्किंग इन द अग्नेशन दे आर अंडर स्ट्रेस द नेगेटिव साइड ऑफ स्ट्रेस वी आर टॉकिंग अबाउट हि सो वट विल बी दउटकम in the organizations of course poor decision making creativity will be decreased because now they cannot concentrate work time will be lost the turnover will be increased and it can there might be some sabotage there so these are the outcomes of the stressed worker working in the organizations now the important part of the subject how can we manage the stress how can we prevent the stress there are two aspects Preventing and managing. Prevention be the acne usko manage karna What is stress management? Procedures or activities for helping people cope up with the stress or reduce the stress they are already being experienced. If some people are already under stress. How can we reduce their stress? How can we eliminate their stress? And what is the prevention? Stress prevention the, fo the focus is on controlling or eliminating st stresses, or those reasons which are causing the stress that might provoke the stress response. So, that is the prevention. So, we have two aspects the stress management and the stress prevention. Now, stress management will be ऑल दोज एक्टिविटीज ऑल दोज एक्शन विच कैन रिड्यूज द स्ट्रेस विच इज पीपल आर ऑलरेडी फेसिंग और प्रिवेंशन क्या है कि उन जो काजेस है उनको रोका जाए उनको इलिमिनेट किया जाए ताकि उनकी वजह से स्ट्रेस प्रोवोक ना हो जाए और स्ट्रेस रिस्पॉन्स प्रोक ना हो जाए वेन वो ये टाकिंग अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम विद प्रॉपर ट्रेनिंग ट्रेनिंग वट सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है टाइम मैनेजमेंट होता है जब लोग काम करते हैं तो दे आर अंडर प्रेशर हाउ टू मैनेज थिंग्स थिंग टाइम मैनेज इट सेल्फ विल बी ए बिग इशू उसी से कॉन्सिक्वेंस बहुत सारी उनके स्ट्रेस बन, बुनियाद बनती है तो अपने इम्प्लॉइज़ को आप ट्रेन करें हाउ टू मैनेज टाइम एंड देन यू आल्सो गिव दम ट्रेनिंग फॉर द कॉपिंग स्किल्स किस तरह कॉपअप करना है आपने स्ट्रेस के साथ और इसीलिए आर्गनाइजेशन मुख्तलिफ वेलनेस प्रोग्राम उनको हम कहते हैं स्पोर्ट प्रोग्राम उनको कहते हैं एम्प्लाइज के लिए वो बनाती हैं जिससे आप स्ट्रेस रिड्यूस कर सकते हैं सिमिलरली रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं इस्तेमाल करते हैं उससे भी स्ट्रेस कम होती है आगे चल के देखते हैं हम कि इंडिविजुअल लेवल पे और ऑर्गेनाइजन लेवल पे क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं जिससे स्ट्रेस कम हो सकती है लेट्स इंडिविजुअल स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है सपोज यू आर अंडर स्ट्रेस आई एम फेसिंग सम स्ट्रेस हाउ कैन वी मैनेज द स्ट्रेस इंडिविजुअल बेसिस कोर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट द टाइम मैनेजमेंट इन रेलिवेंट चीज़ों पे टाइम ज़ाया नहीं करें फोकस रह के जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको उनको इस करें कि सारा टाइम हम जैसे आपने पढ़ाई भी करनी है स्पोर्ट एक्टिविटीज दूसरी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है सोशल लाइफ भी आपकी रेस्ट टाइम भी है यू हैव टू मैनेज द टाइम अकॉर्डिंग टू द इंपॉर्टेंस यू हैव टू अलॉट स्पेसिफिक टाइम फॉर ईच एक्टिविटी तो अगर ये आसानी से हो जाए इसको आप मैनेज कर लें तो बहुत सारे इशू खुद बहुत ख़त्म हो जाते हैं और एक काज तो ये भी देखा था कि चेंज आ रही है तो उससे भी आपको स्ट्रेस होती है तो वाई डोंट यू मैनेज द चेंज तो चेंज मैनेज अगर कर लें अच्छी तरह तो भी स्ट्रेस कम हो जाएगी गेट फिट अगर आप फिजिकली वीक हैं अगर कुछ बीमारी है कुछ खुदा ना खास्ता तो आप में रेजिस्टेंस कम होती है एंड यू डी मोर प्रून टूवर्ड ऑल दोस्त फैक्टर विच कैन कॉज द स्ट्रेस तो अपने आप को फिट रखें कैसे रखेंगे फिट एक्सरसाइज करें अच्छे हेल्दी फूड इस्तेमाल करें अपने टाइम को मैनेज करें टाइम पे अपने रेस्ट का भी ख्याल करें लेट इट गो टाइम यू जस्ट स्टिक विद द वन एस्पेक्ट कोई एक ऐसी एक्टिविटी हुई कोई ऐसा इवेंट हुआ किसी ने कोई बात कर दी वो आपके अंदर ही अंदर आपके साथ वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो इस तरह की चीज़ को जस्ट So, उससे गुजर जाना चाहिए उसको उसको जस्ट एड्रस्ट इट एंड फिरिश इट डोंट कैरी ऑल दोज फीलिंग्स पार्ट्स विद यू सो दैट कैन आल्सो रिड्यूस योर स्ट्रेस सोशल सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैमिली सिस्टम द पेयर ग्रुप कभी कभी शेयर कर लेने से भी आपके मसले खत्म हो जाते हैं आपको एक शोल्डर चाहिए होता है थोड़ी देर के लिए तो वो जो स्पोर्ट्स ग्रुप है सोशल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर प्लेंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल

दे कैन सजेस्ट गो एंड हैव गो एंड सी सम मूवीज इज देयर बाहर जाएं दोस्तों के साथ गपशप लगा के आ जाएं रिलैक्स होके आ जाइए उससे भी स्ट्रेस कम हो जाती है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कई दफा कि खास एन्वायरमेंट के अंदर आप बैठे काम कर रहे हैं कंटिन्यू किसी से झगड़ा हो गया कोई टेंशन होगी तो स्ट्रेस में आ जाते हैं आप लोग तो उसके लिए भी एक सजेशन दी जाती है कि इमिजिएटली दस चेंज एनवायरमेंट उस जगह से हट जाए उस जगह से निकल जाए थोड़ी देर के लिए तो दैट इट्स सेल्फ कैन रिड्यूस स्ट्रेस आगे देखते हैं जैसे मैंने कहा फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट जॉगिंग कर लें थोड़ी सी वॉक कर लें तो बंदा फ्रेश अप हो जाता है तो ये भी अच्छी चीज है सो इफ यू आर डीलिंग विद लॉन्ग टर्म स्ट्रेस फटीक एग्जॉस्ट जो हो गए उसके लिए क्या है तो रेस्ट थोड़ा सा ज्यादा कर लें गो टू बेड अर्ली टेक गुड ब्रेक वोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिंदगी में दरमियान में ब्रेक करने चाहिए छुट्टियाँ इंजॉय करनी चाहिए और एनर्जी को रीकूब करके दोबारा आप आके फ्रेश होकर और अच्छा काम कर सकते हैं इसी तरह वर्क कमिटमेंट्स जो है उसको अगर पॉसिबल हो तो चेंज कर लें लेट्स इट्स इट इज क्रिएटिंग प्रेशर फॉर यू प्रायरिटी फिक्स कर लें थोड़ा सा इन्वायरमेंट चेंज कर लें एंड टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी अगेन सी टाइम मैनेजमेंट इज कमिंग अगेन 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 एंड अगेन वाई बिकॉज दिस इज द समटाइम बेसिक काज हैंडलिंग डिप्रेशर अगर डिप्रेशन हो रही है लॉन्ग जो सिम लॉन्ग टर्म स्ट्रेस की वजह से सिम्टम्स होती हैं और याद रखिए कि ज्यादा जो डीप जो आपकी डिप्रेशन होती है ये एक क्लिनिकल प्रॉब्लम बन जाती है तो उसके लिए जरूरी है कि किसी अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर से प्रोफेशनल से आप चेकअप करा लें अदरवाइज पॉजिटिव थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट डिप्रेशन से निकलने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट लोगों से बात कीजिए अपने जो आप दोस्त हैं अच्छे पेरेंट्स हैं फैमिली हैं उनके साथ शेयर कीजिए तो बहुत सारा बर्डन कम हो जाएगा और उस सिचुएशन से भी हट जाए जैसे मैंने आपसे पहले कहा दैट कैन आल्सो काज रिड्यूस द इफेक्ट और मुस्लिम मुस्लम अल्लाह से लो लगा लें तो बहुत सारे स्ट्रेस से बच जाते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर कमी है किसी वजह से तो उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है यू शुड स्टार्ट सेटिंग द गोल्स और उन गोल्स को फिर किस तरह अचीव करना है इसके बारे में सोचे तो आस्ता आस्ता आप खुद बहुत आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा लिस्ट योर शॉर्टकमिंग कमिंग एंड डील विद देम डू योर स्वाट एनालिसिस सी वट आर द वीकनेसेज वट स्ट्रेंथ यू हैव और उस बेस पे फिर देखो कि अपने स्ट्रेस को किस तरह आपने और उससे फायदा उठाना है और अपने वीकनेसेस को किस तरह आपने ओवरकम करना है तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल खुद बहुत ठीक हो जाएगा सिमिलरली लेस द थिंग्स दैट वरी यू एंड सी इफ इट इज रियली इंपॉर्टेंट कई दफा हम फजूल चीजों में अपने आप को फंसा लेते हैं उसके अंदर अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं और फिर फील करते हैं कि स्ट्रेस में गए रियालिटी दे डोंट हैव एनी वैल्यूज तो उसको देख लें जरा और अगर ये चीज क्लियर हो जाए तो देन बेसिक काज खत्म हो गए तो यू आर नॉट यूर नॉट एनी वे अंडरस्टैंड नाउ सिमिलरली और जैसे मैंने आपसे कहा कि अपना खुद एनालिसिस कीजिए राइट दाउन थिंग्स सी वट थिंग्स यू आर डूइंग बेटर और हमेशा उसमें से इंस्पायर होकर पॉजिटिव थिंकिंग करें जब पॉजिटिव थिंकिंग होगी तो बहुत सारे इस तरह के इश्यूज को आप सेटल कर सकते हैं सिमिलरली इफ यू आर हैविंग प्रॉब्लम विद ड्यू टू रिलेशनशिप्स असर्टिव होना चाहिए उन रिलेशनशिप्स के अंदर फैमिली के अंदर है इवन कोलीग्स के साथ है, सोशल स्किल्स को इंप्रूव करें अपने अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा करें यू शुड बी गुड लिस्नर दूसरों की बात को भी समझें डोंट ऑलवेज थिंक यू आर राइट अदर पीपल ऑफकोर्स देर दे और फिर यह भी देखें कि हो सकता है कि वो लोग जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम इशू बन रहे हैं दे माइड नॉट मी दैट मीच इंपॉर्टेंट योर लाइफ सो वाइट ओवर ही देन इसी तरह स्टैंडर्ड की बात करते हैं कई दफा आप बड़े हाई स्टैंडर्ड अपने नहीं फिक्स कर लेते हैं या अपने सबॉर्डिनेट के लिए भी उससे भी फिर आप अंडर प्रेशर आ जाते हैं तो योर स्टैंडर्ड शुड बी योर गोल शुड बी रियलिस्टिक इफ एन इफ यू आर फिक्सिंग दम फॉर योर सेल्फ और फॉर योर समार्डिनेट्स क्योंकि अगर बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड फिक्स कर लेंगे तो नेचुरली विदायरमेंट विदेलिंग सिचुएशन विद द प्रिवेलिंग स्किल्स एंड अबिलिटी यू आर नॉट गोइंग टू अचीव दो सो वॉट इज गोइंग टू हैपन कॉन्सिक्वेंटली

प्रॉपर गोल सेटिंग दे केन रीडिजाइन द जॉब इफ दे आर फीलिंग दैट दिस इज कॉजिंग द स्ट्रेस दे केन इनवॉल्व द इंप्लाई इन द डिसन मेकिंग टू रिड्यूस द स्ट्रेस और प्रॉपर सिलेक्शन और प्लेसमेंट से भी वो स्ट्रेस को कम कर सकते हैं जैसे कहा था राइट मैन फॉर द राइट जॉब मीन राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब इट कैन बी मैन और वुमेन ऑर्गेनाइजन कम्युनिकेशन को अगर इंप्रूव कर ले तो कई दफा वो कम्युनिकेशन के ना होने की वजह से भी ऐसी स्ट्रेस होती रहती है कंफ्लिक्ट होते रहते हैं एंड इफ यू हैव प्रॉपर वेलनेस प्रोग्राम यस यू कैन हैव दी, यू कैन मैनेज द स्ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन अप्रोचेज में वी कैन इंप्रूव पर्सन सिलेक्शन एंड जॉब प्लेसमेंट विद द ट्रेनिंग वही चीजें यूज ऑफ रियलिस्टिक गोल सेटिंग्स रीडिजाइनिंग ऑफ जॉब इंक्रीज इंप्लायमेंट इन्वॉल्वमेंट्स Improve organization communications and establishment of corporate wellness programs can reduce the stress for within the organization. Is it organization stress prevention strategy? They should focus on people's work demands, focus on ways to reduce the distress at work. Most organization prevention is primarily with job redesigning. Goal setting, role negotiation, and career management. If these basic things are primary, primarily, then causes are to stress. Ko naturally, stress, ko manage can manage. So I think enough of stress. We don't want to take any more stress now. So let's see what we have covered today quickly. We try to understand what stress is, and then we try to see whether it is good or bad, and how can we recognize the stress—short term, long term. इंटरनल सिम्टम्स एंड अदर सिम्टम्स और फिर इसको मैनेज और प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है याद रखिए स्ट्रेस ना तो बुरी होती है न तो अच्छी होती है उसका अपना जो इफेक्ट है दैट इज न्यूट्रल हर एक इंसान का थ्रेश होड लेवल डिफरेंट है बट टू स्टार्ट विथ स्ट्रेस इज गुड टू ए सर्टन लिमिट और जब वो थ्रेश लेवल क्रॉस कर ले तो इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वो ओपुर नेगेटिव स्ट्रेस ना हो क्योंकि इसका नुकसान है और इसी का एक टॉपिक है जिसे बर्नआउट कहते हैं तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर जो होगा स्ट्रेस का एक टॉपिक टाप, जो, जो है वो रह गया जिसे हम बर्न आउट कहते हैं विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट दिस बर्न आउट इज एंड ऑफकोर्स देन विल टॉक अबाउट कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन तो लेट स्टॉप इट हेयर सो विद दिस एक्सपेक्टेशन दैट यू विल वर्क हार्ड and of course you will read it before we should start our next topic and that will be about the communication with this thought i'll stop it here take care of yourself allah hafiz and assalam alaikum